गोवा में चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हैं। फडणवीस जी, जिस तरीके से गोवा में अब धीरे धीरे टिकट डिक्लेयर कभी भी हो सकता है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या जिनको जिनको मिला उनके लिए क्या और जिनको कटेगा उनके लिए क्या? देखिए, जिनको मिलेगा उनके लिए शुभकामनाएं हैं, जिनको कटेगा उनके लिए प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी आपको भी मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लोग ये मानते हैं कि बीजेपी चुनकर आने वाली है, तो ऐसे समय टिकट की लाइन में लोग तो ज़्यादा रहते ही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि ज़्यादातर लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से, टिकट न मिलने के बाद भी बीजेपी का काम करेंगे। उत्पल पर्रिकर चूंकि एक बड़ा नाम है, मनोज पर्रिकर के बेटे हैं, लेकिन लगातार वो बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं, क्या कंडीशन उनकी बन रही है? क्योंकि आज ही संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा सभी अपोजिशन को मिलकर अगर उत्पल निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, संजय राउत ये मगरमच्छ के आंसू रोने वाले व्यक्ति है। ये वही संजय राउत है जिस समय गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रिकर बीमार होने के बावजूद, नाक में नली होने के बावजूद बजट पेश कर रहे थे, उस समय उनके खिलाफ यही संजय राउत बयान दे रहे थे कि गोवा की सरकार ये सिख गवर्नमेंट हो गई क्योंकि इनके मुख्यमंत्री सिख है और उन्होंने छोड़ देना चाहिए, इतना भद्दा बयान इन्हीं संजय राउत ने दिया था। तो ये क्यों मगरमच्छ के आंसू रो रहे? देखिए, जहां तक उत्पल का सवाल है, मैंने इससे पहले भी स्पष्ट किया है कि मनोहर भाई हमारे सबसे बड़े नेता थे, उत्पल उनके पुत्र है, इसलिए हमको प्यारे है, हमको लगता है कि हमारे साथ वो रहने चाहिए और उनको अगर राजनीति में अपना करियर बनाना है या राजनीति में उनको इंटरेस्ट है तो पार्टी निश्चित रूप से उनको कैसे आगे बढ़ाना, उनको कैसे पोजीशनिंग देना, इसका विचार करेंगी। जहाँ तक पंजी में टिकट मिलने का सवाल है, इसका फैसला ये केंद्रीय पार्टी करेगी और मैंने इससे पहले भी ये कहा है कि एक व्यक्ति के रूप में उनका मेरिट हम देखेंगे। मनोहर भाई के लड़के है ये केवल सोल मेरिट नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव बात हो सकती है लेकिन ये सोल मेरिट नहीं हो सकता, तो मेरिट के ऊपर भी हम देखेंगे उन्होंने क्या काम किया है, उसके आधार पर केंद्रीय पार्टी इस पर फैसला करेगी। बगावती तेवर अगर अपनाते हैं तो बीजेपी की क्या भूमिका होगी? देखिए, अगर वो बगावती तेवर अपनाते तब मैं इसकी बात करूंगा, अभी तो मुझे लगता नहीं है। मैं तो अभी भी आशावादी हूँ कि जो पार्टी फैसला लेगी उनके हक में ले या उनके खिलाफ ले, वो पार्टी के साथ रहेंगे। टीएमसी और आप दो नए प्लेयर इस बार गोवा में काफ़ी तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया खुद केजरीवाल ने कहा कि हम गोवा में पानी और बिजली फ्री कर देंगे, 3,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और पूरे गोवा भर में बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ फैली हुई है, पर्यटन भी नीचे जा रहा है। देखिए, गोवा में माइनिंग तो बंद है पर शायद केजरीवाल जी को गोवा में कोई गोल्ड माइन मिल गई होगी जिसको खोद खोद कर वो लोगों को इतनी सारी चीज़ें देने का वादा करते हैं। जो दिल्ली में वादे किए थे वो तो उन्होंने पूरे नहीं किए, उन वादों को धीरे धीरे अल्टर किया, छोटा किया और फिर दिखाने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने वहाँ पर वो वादे पूरे किए। गोवा तो फुल स्टेट है, दिल्ली तो आधा स्टेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब केजरीवाल जी को पता है कि उनकी पार्टी चुनकर नहीं आने वाली तो वो ये भी वादा कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को ताजमहल बना के देंगे, वादे से होता क्या है। तृणमूल कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गोवा के जनता ने तृणमूल को पहले ही नकार दिया है। ये तृणमूल की एक छवि है और विशेष रूप से जिस प्रकार से तृणमूल के राज में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो लोग भूले नहीं है, जिस प्रकार से हमले हुए लोग भूले नहीं है। देखिए, माइनॉरिटी को न्याय देना एक होता है और अपीजमेंट के लिए कुछ भी करना ये दूसरा होता है, तो वहाँ न्याय नहीं है, माइनॉरिटी की हालत ठीक नहीं है उनके भी राज में, लेकिन माइनॉरिटी में ऐसे तत्वों को आगे किया जा रहा है कि जो समाज के लिए ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें गोवा के लोग जानते हैं और इसलिए गोवा में उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। एक कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप लोग सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं और इसको लेकर के 2-3 MLA जो आपका साथ छोड़कर गए हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी का अब स्कोप नहीं रहा, बीजेपी माइनॉरिटी की बात नहीं कर रही है।
देखिए, बीजेपी ने कभी भी माइनॉरिटी की बात नहीं की, बीजेपी ने माइनॉरिटी के न्याय की बात की, बीजेपी ने हर व्यक्ति के न्याय की बात की। और ये वही लोग हैं 10-10, 15-15 साल तक बीजेपी में रहकर सारे पदों पर सारे पद भोगने के बाद अब उनको ये याद आ रहा है। ये स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ की बात करते। बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में गोवा में माइनॉरिटी के ऊपर कौन सा अन्याय किया बताइए, माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा डिसीजन लिया बताइए। उल्टा अगर हम विचार करें तो हमारी पिछली सरकार में इतने माइनॉरिटी के लोग मिनिस्टर थे, हमारे इतने एमएलए माइनॉरिटी के चुनकर आए थे, तो माइनॉरिटी के लोगों ने भी विश्वास हम पर दिखाया था। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी ये निश्चित रूप से एक विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है, और इसमें हमारे नेता मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस प्रकार का जो मामला हमारे इस प्रकार का जो नारा दिया है, इसमें सबको साथ में लेकर हम चलते हैं। हाँ, हम अपीजमेंट नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। एक दो तीन सवाल महाराष्ट्र स्टेट से, क्योंकि महाराष्ट्र से आप आते हैं, कि शिवसेना लगातार कह रही है कि आप लोग सवाल खड़े करते हैं कोविड को लेकर के कि सही चीजें से नहीं हो पा रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन सवाल खड़ा करने आप जल्दी कर सकते हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, सरकार काम करके वहां दिखा रही है और वो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। देखिए, सरकार अगर काम कर रही है तो महाराष्ट्र तो देश का सबसे प्रगत राज्य है, तो सरकार अगर काम कर रही है तो पूरे भारत में सर्वाधिक कोविड के केसेस महाराष्ट्र में क्यों? देश में जितनी मौतें हुई छिपाने के बावजूद भी 30% मौतें ये महाराष्ट्र में क्यों? और मैंने तो अपने सत्र में देखा करीब करीब 1,00,000 मौतें किस प्रकार से इन्होंने छुपाई है, इसको एक प्रकार से मैंने आंकड़ों के साथ वहां पर बयां किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार कोविड के मैनेजमेंट में 100% विफल हुई है। लेकिन हम इसलिए हमला नहीं करते क्योंकि हम कोविड को राजनीति में नहीं ढालना चाहते। लेकिन अभी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 300 पार का नारा दिया, तो शिवसेना ने कहा कि जो गंगा में बहती लाशें हैं क्या वो आके वोट देंगी क्या? देखिए, शिवसेना का वजूद क्या है? एक व्यक्ति की जमानत क्या वो उत्तर प्रदेश में बचा सकते हैं? जिनका वजूद ही नहीं है, देखिए गोवा हो या उत्तर प्रदेश हो, कौन जानता है शिवसेना को? कोई जानता नहीं है। ये छोटी छोटी पार्टी है वहां पर, और इसलिए अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इस प्रकार के बयान को देते हैं। मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई महाराष्ट्र में जो मौतें तुमने छुपाई उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? कोविड के घोटाले वो उस पर क्यों नहीं बोलते? महाराष्ट्र में कोविड के नाम पर करोड़ों रुपए खा गए, ये लोग खा गए, जिसके सारे प्रूफ हमने दिए, एविडेंस दिए, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? और जहां तक गंगा में बहती हुई लाशों का सवाल है, निश्चित वो हमने उस समय भी कहा गंभीर है, लेकिन ये गंगा में पहली बार बहती हुई लाशें नहीं मिली है। जिस समय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री थे उस समय भी गंगा में ऐसी बहती हुई लाशें मिली थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनमें अग्नि संस्कार की जगह लाशों को गंगा में बहाया जाता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सामने आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए दूसरे के घर में झांकने से पहले। 100 सीटें वो वहां पर उत्तर प्रदेश में लड़ने का दावा शिवसेना कर रही है, और यहाँ पे कह रही है कि हम अलायंस में लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता में नहीं लौटने देंगे दोनों जगह। अरे 10 कैंडिडेट मिल जाए भाई उनको, 100 की क्या बात कर रहे हैं आप, 10 कैंडिडेट मिल जाए तो शुक्र मनाए शिवसेना। एक आखिरी सवाल यहाँ है गोवा को लेकर के, देवेंद्र जी की गोवा में क्या प्रमुख मुद्दे ऐसे होंगे जो बीजेपी लेके जाएगी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में बीजेपी इन पर एक्शन करेगी? देखिए, हम तो विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और गोवा की जनता देख रही है बदला हुआ गोवा। आज जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में तैयार हुआ है ये गोवा की जनता ने देखा है। कोविड के समय जिस प्रकार से गोवा में सरकार ने काम किया, और उससे भी ज़्यादा जिस प्रकार से वैक्सीनेशन मोदी जी के राज में हुआ है, ये सारी चीज़ें गोवा की जनता ने देखी है। गोवा को जिस प्रकार से आइकॉनिक संस्थाएं मिली है, जिस प्रकार की मदद केंद्र सरकार से मिली है, जिस प्रकार से एक आत्मनिर्भर गोवा और स्वयंपूर्ण गोवा इस प्रकार से जो एक कार्यक्रम यहाँ पर चला है, ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी है। तो हम अपने किए हुए काम के आधार पर यहाँ पर वोट मांगने वाले हैं। नाना पटोले कहते हैं कि मोदी के ऊपर वो कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, वो करप्ट नहीं है, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और संस्थाएं उनके खिलाफ नहीं काम करेंगी।
कि नाना पटोले बड़बोले है। नाना पटोले का क्या वजूद है? बड़बोले आदमी, उनको सिर्फ शारीरिक ऊंचाई है, बौद्धिक ऊंचाई नहीं है। बौद्धिक ऊंचाई होती तो उनकी बात का जवाब दिया जाता, सिर्फ शारीरिक ऊंचाई वाले व्यक्ति को थोड़े जवाब दिया जाता है।